हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। पिछली क्लास में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया था और इसके 1-5 क्वेश्चन भी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए लिखा हुआ है एस बी एंड जे वर पार्टनर्स इन ए फर्म। तीन पार्टनर है एस बी जे। टी वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। टी एडमिट हो रहा है 1/5 शेयर के लिए। तीनों पार्टनर का एस बी जे का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा, और पार्टनरशिप का रूल है याद रख लो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दे रखा हो तो उनका शेयर हो गया इक्वल। कैलकुलेट द सैक्रीफाइस रेशियो ऑफ एस बी एंड जे, हमें उनका सैक्रीफाइस रेशियो निकालना है। देखो एक तो कंडीशन ये है, ये सिंपल मेथड है। सिंपल कैसे पता चला, ना तो इसमें कहीं एक्वायर आ रहा ना सरेंडर, जो मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी। बिल्कुल सिंपल है कि न्यू पार्टनर एडमिट हुआ और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सैक्रीफाइस रेशियो आएगा वो ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगा। लेकिन हमें फिर भी प्रेजेंट करके दिखाना है कि कैसे सैक्रीफाइस रेशियो आया। पहले न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद सैक्रीफाइस रेशियो। स्टार्टिंग करते हैं फिर इस क्वेश्चन की। यहां लिख लो पार्टनर के नाम एस बी एंड जे, और तीनों का शेयर लिख लो। दे नहीं रखा तो क्या शेयर होगा, तीनों का इक्वल, ध्यान रखना। इन्होंने टी को एडमिट किया न्यू पार्टनर, याद रख लो ये न्यू पार्टनर आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए। क्योंकि ये सिंपल है तो क्या करते हैं, पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम करते हैं। लेट करो यहां पर, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। ने पूरे प्रॉफिट को 1 मान लिया चारों के को, यहां रिमेनिंग शेयर निकाल दो। किस किस का, ओल्ड पार्टनर का यानी कि एस बी एंड जे का। 1 में से यदि 1/5 माइनस कर दें, क्योंकि 1/5 तो टी ले जाएगा, तो बचा हुआ शेयर किसका आएगा, एस बी और जे का। ये हमें पता चल गया कि इतना शेयर है रिमेनिंग। अब यहां से निकल जाएंगे न्यू शेयर ऑफ एस। ये किस लिए करना पड़ रहा है हमें, न्यू रेशियो के लिए। उसके बाद न्यू शेयर ऑफ बी, पहले एस का लिख दो। एस का कितना शेयर है नोट करो, जो रिमेनिंग है पहले वो लिख लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर से, क्योंकि ये 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा रिमेनिंग जो है। कितना बन गया, 4/15। ऐसे यहां लिखो रिमेनिंग शेयर, इसके शेयर से मल्टीप्लाई, इसका भी शेयर 1/3 है, ये रहा कितना आ गया, 4/15। ऐसे यहां लिखा दो न्यू शेयर ऑफ जे, कितना है रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करो, रिमेनिंग क्योंकि 3 जनों का है ध्यान रख लेना, 4/15। अब यहां लिख दो शेयर ऑफ टी, टी का तो अलग से शेयर पता ही है, 1/5। बेस इक्वल करो, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, बेस इक्वल करने थे। ये तो हमारी न्यू रेशियो आ गई, नोट करो। लिख दो 4:4:4। ये कहां से लिख रहा हूं मैं, ये रहा, सबके डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो न्यूमिनेटर है वो उनकी रेशियो बन गई, 4:4:4:3। यहां तक क्लियर हुआ। अब चलते हैं इसमें सैक्रीफाइस रेशियो कह रहा था, तो यहां सैक्रीफाइस रेशियो निकाल देते हैं। इधर लिख दो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रीफाइस रेशियो, जो फार्मूला क्या था याद हो सैक्रीफाइस रेशियो का, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूं, आप लिख लेना है तो आपको, एस आर का मतलब सैक्रीफाइस रेशियो, ओ आर का मतलब ओल्ड रेशियो, एन का मतलब न्यू रेशियो। अच्छा, सैक्रीफाइस जो निकलती है खाली ओल्ड की निकलेगी, न्यू पार्टनर की नहीं, न्यू तो गेन करता है, तो कितने ओल्ड हैं, 3, तीनों के निकालो। क्या क्या नाम थे, एस बी और जे, लिख दो एस बी और जे। क्या फार्मूला बताया था, ओल्ड रेशियो, कितना था ओल्ड रेशियो, 1/3 ये रहा, इस माइनस करो न्यू रेशियो, कितना आया ये रहा, 4/15, लिख दो 4/15। इसका भी 1/3 है क्योंकि रेशियो सबके सेम है, 1/3 और -4/15। अब इनका एलसीएम ले लो, 15 ले रहे हो तो ये 5-4, ये तो आ रहा है 1/15, ऐसे ये भी 15 आ रहा है तो 5 1/15। इसी तरीके से ये भी देखो तो 5-4 1/15। डिनोमिनेटर जब सेम है तो डायरेक्ट आप लिख दोगे सैक्रीफाइस रेशियो, कितना आ गया, 1:1:1। ये आंसर था इस क्वेश्चन का, ये नोट करो, यही निकालना था हमें। ये निकालने के लिए पहले आपको ये निकालना होगा न्यू रेशियो, याद रख लो, यदि एग्जाम में आए तो पहले न्यू रेशियो निकाल दो और फिर सैक्रीफाइस रेशियो निकाल दो, इसी की कॉन्टिन्यूशन में। तो ये तो हो गया हमारा 6th क्वेश्चन, अब करते हैं 7th क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए लिखा है पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन ए फर्म
शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है पी क्यू, उनका रेशियो दे रखा है। कहता है आर वॉज एडमिटेड 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और आर एडमिट हो रहा है 1/4 के लिए, ऑफ विच ही टुक 75% फ्रॉम पी, 75% तो अपने शेयर का पी से ले रहा है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम क्यू। कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो पहले न्यू रेशियो निकालना होगा, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले यहां जो जो पार्टनर दे रखे हैं लिख लो, पी और क्यू दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, पुट करो 5:3, ये लिख लो पहले आप। उसके बाद यहां पर हमने एडमिट करा आर को, आर नया पार्टनर आ रहा है, कितने के लिए आ रहा है वो लिखा हुआ है यहां पर 1/4 के लिए। थोड़ा आर के बारे में अच्छी तरह से पॉइंट नोट करना, क्या कह रहे हैं, कहता है जो ये शेयर है 1/4, 75% तो किससे टुक ओवर करेगा, फ्रॉम पी, और लिखा हुआ है 25% फ्रॉम क्यू, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले ये निकालने की कितना कितना शेयर आर ने लिया, तो लिखो आर टुक फ्रॉम पी, आर टुक फ्रॉम पी, जो हमें पता चले कि कितना लिया, उसका पूरा शेयर था 1/4 इनटू कर दो यहां पर 75%, ये तो इससे लिया, करोगे तो आप ये 3/16 आ जाएगा, ब्रेक करोगे क्योंकि ये 3 और 4 हो गया, और 4 4 = 16 और ऊपर 3। ऐसे ही आर ने किससे लिया, आर टुक फ्रॉम क्यू, कितना लिया वो नोट करो, उसका शेयर लिखो पहले जितना था आर का, 25% इससे लिया, ये समझ आया 25 कहां से आया भाई, जब ये 75% इससे ले रहा है तो 25 किससे ले रहा होगा, 25% इससे, क्योंकि 100 में से 75 बटा दो तो बचा हुआ शेयर क्यू से लेगा। यहां तक क्लियर हो गया, इसको भी ब्रेक करते हो तो ये 25 से हुआ तो नीचे 4 और ऊपर 1, यानी कि 1/16 उसने किससे लिया है, क्यू से, और 3/16 पी से। अब क्वेश्चन शुरू हो गया भाई, क्वेश्चन में हमें ये नया पॉइंट आ गया था कि उसने अपना शेयर किस किस से टुक ओवर किया, दोनों से किया, तो दोनों का निकाल लिया हमने। अब यहां निकाल दो न्यू शेयर ऑफ पी, माइनस कर दो जितना उसने टुक करा, न्यू शेयर ऑफ पी, ऐसे ही करो न्यू शेयर ऑफ क्यू, दोनों के शेयर लिख दो, पी का ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है 5/8 लिख दो, माइनस करो जितना आर टुक ओवर कर गया 3/16, ऐसे इसका लिखो 3/8 और माइनस करो 1/16, पहले दोनों का कर ले माइनस, एलसीएम आ गया 16, तो 10 - 3 7/16, तो इसका शेयर आ गया, इसकी बात करो 16, 2 हो गया तो 6 - 1 5/16, नोट करना ये, ऐसे ही करो शेयर ऑफ टी, टी को तो 2 से मिला ही है, पता है 1/4, वैसे जितना यहां पर लिख लिया करो, पी से लिया और 1/16 उसने क्यू से लिया, टोटल हो गया 4/16, देखा जाए तो 1/4 ही हुआ, बेस इक्वल बन गए 16 है ये, 10 लिखा हुआ है, चलो जी अब कितना हो गया 7 5 और 4, ये तो आपका आ गया न्यू रेशियो, लिख लो यहां पर न्यू रेशियो कितना आया, क्योंकि सबके बेस इक्वल है 7:5:4, ये नोट करना। अब इसकी नीड क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है सेक्रीफाइस रेशियो भी निकालो, तो सेक्रीफाइस रेशियो इधर करते हैं, यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो। अच्छा नोट करना, जो न्यू पार्टनर एडमिट है वो खाली गेन करता है, और जो अदर पार्टनर है वो सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइस रेशियो खाली ओल्ड पार्टनर का निकलता है, कभी न्यू का नहीं निकलेगा। यहां लिखो पी और क्यू, इसका ओल्ड रेशियो लिखो 5/8, ये लिखो 3/8 और माइनस कर दो न्यू रेशियो जो अभी निकाला, 7/16 और 5/16। अब यहां सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 16, इसका भी 16, ये 10 - 7 आ गया और ये 2 पे गया, 6 - 5 आ गया, ये तो आ गया 3/16, ये 1/16। जब दोनों के बेस सेम होंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे सेक्रीफाइस रेशियो कितना आ गया, 3:1, इट इज द आंसर, यही तो आंसर था हमारा, क्लियर है। ये था क्वेश्चन, काफी अच्छा पॉइंट था क्योंकि इसमें ये परसेंटेज की फॉर्म में आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं होती, परसेंटेज का मतलब 75/100 जैसे हमने यहां कर दिया, अच्छा बचा कितना होगा 25 वो दूसरे से, फिर यहां माइनस कर लो ऐसे, तो पहले न्यू रेशियो निकाल लो, कंटिन्यूएशन में सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं रीड करता हूं, लिखा है कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3, दो पार्टनर है कबीर और फरीद, रेशियो दे रखा है, कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम इज शेयर एंड फरीद सरेंडर 1/10 फ्रॉम इज शेयर इन फेवर ऑफ ज्योति। तीसरे पार्टनर को एडमिट किया ज्योति को, और दोनों का बता रखा है कि अपने अपने शेयर में से इतना सरेंडर किया,
द कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो भी निकालना और सेक्रीफाइस भी, देखो कैसे करते हैं। या दोनों के नाम लिख लो, एक तो कबीर है और एक आपको फरीद, दोनों का शेयर भी लिख दो, कितना दे रखा है 7:3 मेंशन है क्वेश्चन के अंदर। कबीर ने सरेंडर किया है कितना वो भी लिख लो, कबीर कितना सरेंडर करता है, कबीर सरेंडर कर रहा है 2/10 फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से, फ्रॉम हिज शेयर इसका मतलब उसका शेयर इतने से कम होगा, ध्यान रख लेना। उसके बाद फरीद क्या करता है वो भी लिख लो, फरीद सरेंडर करता है 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। अब यहां आपको क्लियर हो गया या न्यू रेशियो निकल गया, डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, तो लिखो न्यू शेयर ऑफ कबीर कितना हुआ, कबीर का शेयर वो बताते हैं, ऐसे ही लिखो न्यू शेयर ऑफ फरीद, डायरेक्ट इनके में से माइनस कर दो, कबीर का शेयर है 7/10, इसका शेयर है 3/10, कितना कितना सरेंडर किया, ये तो करता है 2/10 अपने शेयर में से, ये लिखा हुआ, और ये कितना करता है 1/10, माइनस कर दो, इनका शेयर कम होगा क्योंकि जितना सरेंडर करेंगे, सरेंडर का मतलब ज्योति के लिए छोड़ना। उसके बाद ये कितना आ रहा है 2/10 लिख लो, ऐसे यहां लिख दो शेयर ऑफ ज्योति कितना कितना मिला है वो निकाल लो। भाई ये देखो 2/10 तो उसको कबीर से मिला, 1/10 उसको फरीद से मिला, टोटल कितना बन गया 3/10, आ गया न्यू रेशियो हमारा, लिख दो यहां न्यू रेशियो जो आया आपका। काफी आसान क्वेश्चन था ये, तो उसका शेयर तो दे नहीं रखा था कि कितना है, लेकिन वो हम निकाल लाएंगे, ये रहा 5:2, 2:3 भाई, पहले जो जो शेयर है ये तो गिवन है, ये यहां तक की तीन लाइन याद रख लो। अच्छा शेयर कैसे निकलेगा कबीर का, पुराना शेयर तो है, जैसे ज्योति आएगी तो उसको कुछ शेयर वो दे रहे हैं, कितना शेयर सरेंडर कर रहा है अपने में से लिखा हुआ है फ्रॉम हिज शेयर, तो कैलकुलेट भी नहीं करना, सीधा माइनस कर दो। ऐसे ये जो है 1/10 करता है, 1/10 माइनस करो, इसको 2 से मिला, 2/10 तो फ्रॉम कबीर, 1/10 फ्रॉम ज्योति, दोनों को ऐड कर दो, ये क्या आ गया न्यू रेशियो। अब इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस भी निकालना है, वो इधर निकालते हैं, लिख लो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लिख दो, ये मैं एब्रीवेशन लिख रहा हूं आप समझ लेना, एस आर का मतलब सेक्रीफाइस रेशियो, ओ आर का मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ये पिछले चैप्टर में भी करा और इस चैप्टर में भी बार बार आ रहा है। अच्छा सेक्रीफाइस कौन करता है, ध्यान रख लेना, हमेशा ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर तो हमेशा गेन करेगा, तो किसका निकलेगा सेक्रीफाइस, बस ओल्ड का, एक तो कबीर का निकाल दो और एक फरीद का निकाल दो, लिख दो कितना कितना आया, ये देखो इसका ओल्ड रेशियो है 7/10, इसका है 3/10, ये दे रखा 7, दोनों को ऐड करो तो डिनोमिनेटर हो गया, और ऊपर शेयर लिखो, न्यू रेशियो की बात करो आप, ये रहा न्यू रेशियो, ये न्यू रेशियो आया कितना बनता है 5/10, कहां से बना, तीनों को ऐड करा वो तो डिनोमिनेटर, ये तो 5/10 करो, ये 2/10 करो, चलो जी ये तो आ गया 2/10 और ये आ गया 1/10, जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर वो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो हो गया, कितना आ गया 2:1, इट इज द आंसर, यही तो निकालना था क्वेश्चन में हमें, क्लियर हुआ, काफी आसान था। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन, उसके अंदर काफी सारे पार्ट हैं, बहुत ध्यान से करेंगे उसको। फाइंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आर एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दो पार्टनर आर और टी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है। आगे एस ज्वाइन द फर्म, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, अच्छी तरह से जाना 1/4 ऑफ हिज शेयर, एंड टी 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस, ये सरेंडर वाला केस है, कैसे करते हैं वो बताता हूं आपको। ये देखो यहां सबसे पहले तो पार्टनर के नाम लिख लो जो जो आपको दे रखे हैं, एक तो आर दे रखा है और एक टी दे रखा है, लिख दो आर और टी, इनका रेशियो दे रखा है 3:2, यहां तक क्लियर हुआ। इन्होंने जो है एस को ज्वाइन करा है, और एस के बारे में ये नहीं दे रखा कि एस कितने के लिए आया, इतना बता दिया कि इतना कुछ शेयर पार्ट तो वो आर से टू कवर करता है और कुछ जो है टी से, तो वो निकालते हैं। अब यहां सबसे पहले लिखो कि आर सरेंडर टू, आर कितना सरेंडर कर रहा है वो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आर सरेंडर टू एस, एस को उसने जो सरेंडर किया लिखा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि आर का खुद का शेयर है कितना 3/5, इसमें से कितना शेयर वो सरेंडर करता है 1/4, तो अल्टीमेट कितना सरेंडर कर दिया 3/20, ये पॉइंट समझ आया। ऐसे निकालो टी सरेंडर टू एस, कितना करता है टी, बहुत ध्यान से करते जाओ, टी का खुद का शेयर है 2/5, यहां से लिख दिया, और वो अपने शेयर का कितना दे रहा है 1/5, लिखा हुआ है क्वेश्चन में,
हमें ये निकालना पड़ गया। ये क्लियर हो गया, दोनों के सरेंडर पता चल गए कि कितना कितना सरेंडर का मतलब अपने शेयर को छोड़ देना एस न्यू पार्टनर के लिए, उसका शेयर कम हो जाएगा इतनी वैल्यू से। अब न्यू रेशियो निकाल लो उनके, लिख दो न्यू शेयर आर, कितना शेयर है उसका 3/5 में से कितना सरेंडर कर गए 3/20। एलसीएम ले लो आप 100 करते हो तो ये 20 60 माइनस 15 45/100, ये तो इसने सरेंडर किया, ये तो इसका न्यू रेशियो आया। ऐसे ही लिखो न्यू शेयर ऑफ टी, टी का शेयर 2/5 उसका ओल्ड शेयर है, कितना सरेंडर करता है ये लिखा 2/25, लिख लो 2/25। एलसीएम ले लो 100 आ गया, इसको इस पे करते हो तो 20/40 और -8 32/100 ये आया। ऐसे ही लिखो शेयर ऑफ एस, एस को दो जनों से शेयर मिला है, इन्होंने सरेंडर किया तो ये शेयर किसको मिल गया, इसको, उनके में लिख दो 3/20 फ्रॉम आर और 2/25 फ्रॉम टी। अब इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम इसका भी 100 आएगा, 20 से करते हो तो 5 पे गया, 5 3 = 15 और ये प्लस करो, उसके बाद ये 4 और 8 23 ये निकल गया जी। ये लो, ये क्लियर हुआ। अब ये न्यू रेशियो निकल गया, डिनोमिनेटर सबके सेम है, यहां लिख दो न्यू रेशियो कितना आ गया आपका, यही तो आंसर है हमारा 45:32:23 इट इज द आंसर। क्लियर है, काफी आसान है। देखो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो लेट ट्रीट करते हैं टोटल प्रॉफिट को, जैसे एक्वायर आएगा तो सीधा उनके शेयर में से माइनस कर दो, और जब सरेंडर आएगा तो सरेंडर में दो कैटेगरी बनती हैं, यदि वहां लिखा है फ्रॉम विच शेयर तब तो डायरेक्ट माइनस करो, लेकिन जब लिख दे सरेंडर करता है अपने शेयर का 1/4 पार्ट, जैसे इसमें लिखा था कि वो अपने शेयर का 1/4, तो इस वे में करते हैं। क्लियर है, अब करते हैं आगे क्वेश्चन, 9th का सेकंड पार्ट करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर, दो पार्टनर दे रखे हैं और बी, और उनका शेयर नहीं दे रखा तो इक्वल हो गया, याद रख लो पार्टनरशिप का रूल है। उन्होंने सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए और इसमें नया पॉइंट आ रहा है। इन फ्यूचर द रेशियो बिटवीन ए एंड बी वुड बी 2:1, इट इज द फ्यूचर रेशियो, याद रखना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में 4 पार्ट कराए थे, याद रख लो कि रेशियो को कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक था सिंपल मेथड जिसमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो, दूसरा था एक्वायर, वो हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चनों से किया, तीसरा था सरेंडर जो अभी अभी 9th के फर्स्ट पार्ट में हो गया, और 4th पार्ट था इन फ्यूचर डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर, ये वो वाला केस है, इसमें भी लेट ट्रीट करते हैं। अब क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते जाओ तब आपको समझ आ जाएगा। यहां दोनों पार्टनर लिख लो पहले, क्या क्या रेशियो दे रखा है 1:1, जब दे ना रहा हो तो इक्वल हो गया शेयर, तो ये तो दो पार्टनर हो गए। सी का शेयर लिखो, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए, नोट करो अच्छी तरह से, क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि वो 1/4 के लिए आया, और साथ में लिखा है ए और बी ने ये डिसाइड किया उनका फ्यूचर जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, कैसे करते हैं उसको देखो। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, ये तो 1 मान लो पूरे प्रॉफिट को, या रिमेनिंग शेयर निकालो आप, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ए और बी का शेयर निकाल रहे हैं रिमेनिंग, 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो 3/4 क्या बच जाएगा रिमेनिंग, कैसे पता चला, पूरे प्रॉफिट को 1 एज्यूम किया तीनों को, उसमें हमें सी का शेयर पता है 1/4 को माइनस करूं तो किसका शेयर आ गया ये इनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे पहले केस में, अब जो उन्होंने डिसाइड करा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लिख दो यहां पर, लिखो न्यू शेयर ऑफ ए, बहुत आसान है ध्यान रख लो, कितना है रिमेनिंग शेयर लिखो सबसे पहले, और रिमेनिंग को कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ओल्ड से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब वो दोनों डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा शेयर क्या होगा 2:1, तो यहां क्या कर देंगे 2/3 कर दो, ये कितना बन गया 6/12, ऐसे ही दूसरे का निकाल लो, काफी आसान है। पहला और फोर्थ केस अभी दोबारा रिपीट करा देता हूं आपको, बी पहले रिमेनिंग शेयर लिखो, फिर जो डिसाइडिंग रेशियो है, डिसाइडिंग रेशियो कितनी थी 1/3, सॉरी कितनी बन गई 3/12, ये क्लियर हुआ। ऐसे अब सी का निकाल दो, लिख दो शेयर ऑफ सी, कैसे आ रहा है सी का, ये रहा 1/4 शेयर तो है ही, बेस इक्वल करो 12 बनाने के लिए, 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, कितना आ गया 3/12 आ गया आपका न्यू रेशियो, ये आंसर था हमारा न्यू रेशियो, कितना आया 6:3:3 और ये भी रैशलाइज हो रहा है, सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 2:1:1 इट इज द आंसर, ये हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। इसको दोबारा समझ लो एक बार, ये तो रेशियो लिख लिए,
टोटल प्रॉफिट को वन मानो, क्योंकि ना तो इसमें एक्वायर लिखा ना सरेंडर लिखा, तो क्या करते हैं प्रॉफिट को वन मानते हैं, रिमेनिंग निकाल लो। रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करते थे यदि बिल्कुल पहले वाला मेथड हो जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ओल्ड रेशियो से, लेकिन डिसाइडिंग रेशियो में क्या करते हैं, जो वो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 2:1 में डिसाइड करेंगे तो उससे मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गया। यानी कि फर्स्ट केस और फोर्थ केस आप याद रखो, जो मैंने रेशियो कैलकुलेट करने के आपको इजी वे बताए थे कि क्वेश्चन में सरेंडर आ रहा है एक्वायर आ रहा है तो उनको तो क्या करते हैं माइनस, और कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो लेट करते हैं टोटल प्रॉफिट को वन सिंपल मेथड में भी, और जो फोर्थ वाला था इन फ्यूचर डिसाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर, दोनों में टोटल प्रॉफिट को वन मान लो। सिंपल मेथड होगा जब कुछ नहीं है तो ओल्ड रेशियो से मल्टीप्लाई हो जाएगा रिमेनिंग, डिसाइडिंग होगा तो जो डिसाइडिंग रेशियो उन्होंने फ्यूचर में करी, जैसे इसमें 2:1 करी तो हमने 2:1 से कर दिया, खत्म हो गया। ये काफी आसान है, बड़े ध्यान से करते जाओगे कोई मुश्किल नहीं लगेगी। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट, बहुत अच्छा है। लिखा हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी दो पार्टनर है जिनका रेशियो दे रखा है 3:2। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर, ये भी बता रखा है कि वो 1/5 के लिए आ रहा है। लिखा है सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए, अपने शेयर का 1/5 पार्ट तो किससे ले रहा है, वो ए से, एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी और 4/5 पार्ट ले रहा है बी से। तो कैसे करते हैं देखो, इधर सबसे पहले तो शेयर लिख लो जो जो दे रखे हैं, ए और बी दो पार्टनर दे रखे हैं लिख दो, उनका रेशियो कितना दे रखा है 3:2। सी एडमिट कितने के लिए हो रहा है ये भी लिख लो, सी जो आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। अब इसमें नया पॉइंट है कि ये जो 1/5 शेयर ले रहा है ये किस किस से ले रहा है, लिखा हुआ है क्वेश्चन में सी एक्वायर 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का किससे लेगा ए से, 1/5 शेयर है उसका और उसका 1/5 ही किससे लेगा अपने ए से, तो ये तो बन गया 1/25। ऐसे ही कह रहे दूसरे के अंदर कह रहे 4/5 शेयर फ्रॉम बी, अपना शेयर पहले लिखो क्योंकि ये शेयर दो जनों से लेगा, एक से ले रहा है 1/5 पार्ट और एक से ले रहा है 4/5 पार्ट, कितना बन गया 4/25, ये बी से लिया। ये चीज समझ आई, मैंने आपको वैसे कैलकुलेट करके दिखा दिया, आपने करना इस तरीके से, देखो लिखो सी एक्वायर फ्रॉम ए, पूरा लिखना है आपने कितना एक्वायर कर रहा है ए से, लिखो एक खुद का उसका शेयर इतना है, अपने ही शेयर का 1/5 किससे ले रहा है इससे, तो कितना लिया 1/25 जो हमने यहां लिखा, और सी एक्वायर फ्रॉम बी कितना एक्वायर कर रहा है बी से, आप पहले उसका खुद का शेयर लिखो, कह रहा है 4/5 पार्ट ले रहा है तो कितना बन गया 4/25, वही यहां चीज आई थी वही आए, लेकिन आप स्टेटमेंट की फॉर्म में दिखाना ऐसे नहीं। अब लिखो यहां पर न्यू शेयर ऑफ ए, जैसे करते हैं क्वेश्चन, अब आराम से क्वेश्चन हो गया हमारा, न्यू शेयर ऑफ ए, ए का खुद का शेयर है 3/5, उसमें से सी ने एक्वायर कर लिया कितना 1/25, माइनस करो क्योंकि कम हो जाएगा उसका शेयर, जैसे ही कोई नया पार्टनर आएगा तो वो ए से कितना टेक ओवर कर रहा है इतना, माइनस कर दो उसके शेयर में से, कितना बन गया एलसीएम तो 25, 5, 15 - 1 ये बन गया 14/25। ऐसे ही बी का करो, लिखो न्यू शेयर ऑफ बी कितना आ रहा है देखते हैं जरा, खुद का शेयर उसका 2/5 है और कितना दे रहा है उसको वो 4/25, लिख दो 25 और ये बन गया 5, 10 - 4, 6/25। यहां लिख दो शेयर ऑफ सी, सी का तो खुद वैसे हमें पता ही है कि 1/5 है, बट जितना जितना दोनों से लिया वो लिखा करो पहले 4/25, अपने आप आपको दिखेगा कि ये 1/5 ही बनता है, लेकिन बेस इक्वल हो गए। देखो अब यहां न्यू रेशियो लिख दो, ये आंसर था हमारा, क्या रेशियो आ गया न्यू रेशियो के अंदर, लिखो जी 14:6:5 इट इज द आंसर, ये आंसर आ गया इसका, क्लियर हो गया। इसका करते हैं फोर्थ पार्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 1/3 और 1/6, डी को ज्वाइन करते हैं द फर्म एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसमें एक नया पॉइंट आ गया, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, सी बोलता है कि मेरा शेयर उतना ही रिटेन का मतलब जितना पहले था उतना ही रहना चाहिए। तो देखो कैसे स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहले तो इनके रेशियो लिखो, पार्टनर दे रखे हैं आपको ए बी और सी, इनका रेशियो लिख दो कितना दे रखा है 1/2 लिखो, और ये दे रखा है 1/3 और ये दे रखा है 1/6। सबसे पहले तो इसको इक्वल करो, जब ये इस फॉर्म में आ जाए एलसीएम ले लो तीनों का, आपको बताता हूं ये रहा एलसीएम लिया, तो अब ये देखो ये आ गया, ये तो आ गया 3,
ये आ गया इसको करते हो तो 2, ये आ गया इसका 1, यानी कि हमारा जो न्यू रेशियो, ये जो रेशियो आ गया वो आ गया 3:2:1, इसको ब्रेक कर लिया हमने। क्लियर हो गया। जब कभी भी ये इस फॉर्म के अंदर आ जाए तो पहले इसको इक्वल फॉर्म बनाओ, सबके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। यदि करते हो तो अब बन गए 3/6, 2/6 और 1/, यानी कि हमारा रेशियो क्या हो गया, ये रहा, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, याद रख लेना एबीसी का। तो जब कभी भी इस फॉर्म में क्वेश्चन हो तो पहले ऐसे बनाएंगे। अब इन्होंने डी को एडमिट किया, कितने के लिए किया, 1/6 के लिए, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। लेकिन यहां नया पॉइंट एक और आ रहा है कि सी जो कह रहा है कि मेरा शेयर रिटेन रहेगा, रिटेन का मतलब मेरा शेयर भी 1/6 ही रहेगा फ्यूचर में, मेरा चेंज नहीं होगा। तो हमारे लिए देखा जाए तो दो नए पार्टनर हो गए, सी का शेयर भी कितना रहेगा 1/6 का। अब निकालो रिमेनिंग शेयर कैसे है, ये टोटल, क्योंकि ना तो इसमें एक्वायर वर्ड है और ना इसमें सरेंडर, तो लेट करना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट। लिखो लेट टोटल प्रॉफिट भी 1, पूरा शेयर को 1 मान लो, रिमेनिंग शेयर निकालो। अब ये याद रखना, ये जो रिमेनिंग निकलेगा ये किस किस का निकलेगा, ए और बी का निकलेगा, क्योंकि सी भी नया हो गया हमारे लिए। सी ने बोला मेरा शेयर रिटेन रहेगा, तो 2 के शेयर माइनस कर दो इसमें से, ये तो मैंने कर दिया सी का और ये कर दिया मैंने डी का। टोटल जो 1 माना था वो 4 का था, 4 में से डी तो हमारे लिए नया पार्टनर है, वो माइनस हो गया। सी भी हमें नए पार्टनर की तरह ट्रीट करना है, क्योंकि सी कह रहा हमारा शेयर चेंज नहीं होगा। एलसीएम ले लो, यहां पर एलसीएम कितना आ गया 6, करते हो तो इसके नीचे तो 1 है, तो ये तो 6 -1 -1 कितना आ गया 4/6, ये शेयर आ गया रिमेनिंग, याद रख लेना। और ये किसका शेयर है, बस ए और बी का। यहां लिखो न्यू शेयर ऑफ ए, पहले तो रिमेनिंग शेयर लिख दो कितना आ रहा है 4/6, ये किससे मल्टीप्लाई होगा नोट करना, अब ये उनकी ओल्ड रेशियो से होगा। और आज जो ओल्ड रेशियो रह गई ए और बी की, वो पता है कितनी रह गई, मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि पार्टनर ओल्ड आज यही है, कितनी रह गई 3:2, इस रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, ये लिख लो 3/5, कितना बन गया 12/30। ये समझ आया क्यों लिखा मैंने? आप ये गलती मत कर देना कि 3/6 कर दो, क्योंकि ये तो पार्टनर हमारे यहां से खत्म ही हो गया। तो देखा जाए तो ओल्ड रेशियो क्या बच गया, बस हमारे पास ये 3:2, मैंने करके दिखा दिया आपको। ये रहा, ऐसे लिखो न्यू शेयर ऑफ बी, शेयर रिमेनिंग लिखो पहले, इनटू कर दो बी के शेयर से 2/5, कितना बन गया 8/30। फिर करो शेयर ऑफ सी, सी का तो शेयर हमें पता ही है 1/6, बेस इक्वल करने हैं बस इसमें, तो हमें कितना बन गया 5/30। ऐसे ही करो शेयर ऑफ डी, डी का भी शेयर हमें पता है 1/6 है, ये भी सेम 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, बेस इक्वल के लिए, सबके बेस इक्वल हो गए, 30 आ गए। यहां लिख दो न्यू रेशियो, कितना आ गया आपका न्यू रेशियो लिख दो, ये बन गया 12:8:5:5। क्लियर हो गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। दो पार्टनर, जब एक पार्टनर का मेरा शेयर रिटेन रहेगा तो उस पार्टनर को भी न्यू की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे हमने सी को न्यू की तरह ट्रीट करा। और जो बच जाएगा सी के शेयर को हाइड कर दो, जो बचा हुआ शेयर आज के बाद ओल्ड कहलाएगा, ओल्ड शेयर 3/6 नहीं होगा, 3/5 होगा, वो हमने यहां लिख भी दिया। ये रहा, अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। लिखा हुआ है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर, ए और बी इक्वल पार्टनर है 1:1, दे एडमिट सी एंड डी, अब दो पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं विद 1/5 and 1/6 शेयर रिस्पेक्टली। पहले तो मेथड पहचानो किससे करेंगे हम, ये सिंपल मेथड है, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ना कहीं एक्वायर ना कहीं सरेंडर, लेट करना पड़ेगा। पहले दोनों के शेयर लिख लो, कितने कितने शेयर दे रखे हैं और वी के लिख लो 1:1, सी एंड डी दोनों एडमिट हो रहे हैं, कितने कितने के लिए एडमिट हो रहे हैं, एक तो आ रहा है 1/5 के लिए और दूसरा आ रहा है 1/6 के लिए, एक का शेयर है 1/5 और एक का 1/6। लेट करते हैं टोटल प्रॉफिट भी 1, जो आपको बताया था, सिंपल मेथड है इसलिए हम 1 एज्यूम कर रहे हैं, एक्वायर या सरेंडर होगा तो सीधा माइनस या मल्टीप्लाई, जो आपको सिखाया हुआ है। अब यहां निकालो रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, कितना निकल जाएगा 1 में से माइनस कर दो, ये दो पार्टनर के माइनस करने पड़ेंगे। अब यहां आपको क्यों करने पड़ेंगे, ये तो सी है और ये डी है, दोनों नए पार्टनर है हमारे लिए, दोनों के शेयर माइनस कर दो। माइनस करते हो तो एलसीएम तो ले लो 30, करते हो तो ये तो ऊपर आ गया 30, ये माइनस करते हैं तो 6 आ गया, ये 5 आ गया, ये टोटल बन गया 19/30, ये तो बन गया आपका रिमेनिंग शेयर, याद रखना। अब न्यू रेशियो निकल गया, नो शेयर ऑफ ए, ए का पहले रिमेनिंग शेयर लिख लो 19/30, इंटू करो उनके रेशियो से, क्या रेशियो थी 1/2, कहां से आई दोनों की, ये भाई ये शेयर किसका बचा है, दो जनों का,
तो उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्या रेशियो दे रखी है 1:1 कर दिया 19/60। ऐसे ही न्यू शेयर ऑफ बी करो, बहुत आराम से करते जाओ, बड़े आराम से समझ आ जाएंगे आपको। रिमेनिंग लिखा और उनके शेयर से मल्टीप्लाई, क्योंकि उसका भी 1/2 है तो कितना बन गया 19/60। ऐसे ही कर दो अब आप सी शेयर ऑफ सी, उसका तो दे ही रखा है हमें, बस बेस इक्वल करना है। कितना था 1/5, ये दे रखा 1/5। अच्छा 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से डिवाइड, कितना बन गया 12/60। ऐसे ही करो शेयर ऑफ डी, डी का भी शेयर आपको दे रखा है 1/6, इसको भी क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड, तो 60 बन गया। कितना आ गया ऊपर 10। अब ये लिख दो न्यू रेशियो, रेशियो कितनी आ रही है आपकी, ये बन गई 19:19:12:10। इट इज आवर आंसर, ये आंसर था इस क्वेश्चन का। इसका एक लास्ट पार्ट बच गया, वो भी करते हैं, तो मैं रीड करता हूं। आप देखो लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है ए और बी, सी को एडमिट किया 3/10 शेयर्स के लिए ऑफ प्रॉफिट। अच्छा पॉइंट है इसमें, हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए, हाफ तो ए ने दिया है, एंड कहता है रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाई सी इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, और जो रिमेनिंग शेयर था वो इक्वली हुआ ए और बी से। देखो कैसे करेंगे, उनका शेयर लिख लो ए और बी का कितना कितना है। ए और बी का आपको शेयर दे रखा है 5:3, लिख दो 5:3। सी कितने के लिए आ रहा है वो लिख लो पहले, यहाँ शेयर आ रहा है सी का 3/10, ये लिखा हुआ। अब ये जो 3/10 है ये तीन पार्ट में ले रहा है, इसका 50 हाफ तो ले रहा है किससे, ये ए से, ये देखो लिखा हुआ है, ये तो ए से ले रहा है। अच्छा हाफ ही और बच जाएगा, जाहिर बात है आधा शेयर तो उसने ए से ले लिया, तो आधा ही और बचेगा। आधा जो शेयर ले रहा है वो दोबारा फिर दोनों से इक्वली इक्वली फॉर्म में ले रहा है। आ रहा है समझ या नहीं, ये अभी जब हम इक्वेशन बनाएंगे तब बताता हूं आपको। यानी कि ये जो शेयर लिया इसका हाफ तो लिया उसने ए से, जाहिर बात है हाफ ले लिया तो हाफ ही और बचा होगा, हाफ शेयर को फिर दोबारा इक्वली लिया दोनों से, ए से दो बार टेक ओवर और बी से एक बार टेक ओवर। तो कैसे करते हैं जरा वो देखते हैं, यहां लिखो सी टेक्स फ्रॉम ए, कितना उससे ले रहा है देखते हैं, ए से पहले अपना शेयर है उसका 3/10, कहता है अपने शेयर का हाफ तो ले लिया उसने किससे, ए से, तो 3/20 हो गया, ये तो ए से टुक ओवर हो गया, याद रखना। अब दोबारा ले रहा है अपने ही शेयर का क्या है जो बच गया हाफ, हाफ जाहिर बात है हाफ चला गया तो बचा कितना होगा, इतना ही तो बचा होगा हाफ भी उसके शेयर में से, भाई या तो हम इसके शेयर में से माइनस कर दें। ये देखो अभी बताता हूं आपको, दोबारा ले रहा है वो किससे, दो जनों से, ए से भी ले रहा है और बी से भी ले रहा है, लिख लो आप यहां कितना कितना ले रहा है। देखो अब इतना शेयर तो उसका चला गया, याद रख लेना टोटल शेयर कितना था 3/10, लिख लो 3/10, उसमें से 3/20 तो चला गया शेयर, आ गया समझ, तो बचा हुआ शेयर कितना होगा चेक करोगे तो 3/20 बचेगा, क्योंकि आधा जा चुका है, इन टू कर दो हाफ इसने दोबारा ए से ले लिया, ऐसे यहां लिख दो 3/10 और माइनस कर दो 3/20 बचा रिमेनिंग शेयर निकाला हमने। ये रिमेनिंग कैसे निकलेगा, देखो 50% लिया उसने ए से तो 50 तो शेयर बच गया, वो 50 या तो डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो 3/20, और या ये कर सकते हो उसका टोटल शेयर लिखो और 50% हटा दो तो ये बच जाएगा। ये चीज समझ आ गई, ये इनटू कर दो हाफ, ये लो ये देखो इसको करते हो एलसीएम तो कितना आ जाएगा 6-3 3/20 आएगा, ध्यान रखना 3/20 का हाफ कितना बन गया करोगे तो 3/40। आप इसको सॉल्व कर लेना, ये ए से दोबारा लिया, हम इसको फिर दोबारा इधर करते हैं तो ये बन गया 3/40, यानी कि ये उसने बी से लिया, दो ए से तो दो बार टेक ओवर किया है, ये तो कर रखा है 50%, ध्यान रख लेना हाफ का मतलब क्या हो गया 50, और जो बच गया रिमेनिंग हाफ वो उसने दोनों जनों से इक्वली लिखा है, यानी कि जितना हाफ बचा वो भी दोबारा उसने जो है हाफ हाफ करके लिया, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हम यहां इसकी जगह पर याद रख लो ये भी लिख सकते थे सीधा 3/20, तो दोनों में से जो उनसा मर्जी कर सकते हो आप। अब हमें ये तो पता चल गया कि कितना कितना टेक ओवर किया उसने ए से और बी से। अब न्यू रेशियो निकाल दो यहां, तो न्यू शेयर ऑफ ए का शेयर लिखो जितना दे रखा है 5/8, नोट करो ये दे रखा, उसने पहले ए को दिया था कितना 3/20 अपने शेयर में से, फिर दोबारा उसने 3/40 दिया, दो बार ए ने दिया हुआ 3/40,
अब एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आएगा 40, करते हो तो ये तो 5 पे गया तो 25 माइनस करो, या ये 40 है, ये 2 पे गया तो 6 आ गया, और ये माइनस 3 आ गया, इसमें से ये करते हो तो 16/40। ऐसे ही अब दूसरे का करो, न्यू शेयर ऑफ बी, बी से उसने एक ही बार टेक ओवर किया है तो बी का शेयर है 3/8, माइनस कर दो या 3/40, एलसीएम तो 40 आएगा, लिख लो, ये 5 पे गया 15 और माइनस 3 कितना आ गया 12/40। ऐसे ही शेयर ऑफ सी कर दो, कितना कितना मिला है देखो, जितना आपने माइनस करा होगा वही सी को मिला है, 3/20 प्लस 3/40 और प्लस 3/40, ये तो दो बार ए से मिला और ये बी से, एलसीएम ले लो इसका भी 40, सब ये 22 पे गया तो 6 प्लस 3 प्लस 3 कितना आ गया 12/40, ये आपका न्यू रेशियो बन गया, लिख दो या न्यू रेशियो 16:12:12, और इसको और भी रैशनलाइज कर दो क्योंकि ये सारे किससे डिवाइड हो रहे हैं 4 से, 4:3:3 इट इज आवर आंसर, ये इसका आंसर आएगा। ये चीज क्लियर हो गई, ये तो आपको मैं जो करके दिखाता हूं बस, ये आपने करना नहीं, आपने स्टेटमेंट की फॉर्म में करना, ध्यान रख लो, ये तो समझाने के लिए था बस आपको, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, क्यों, क्योंकि उसके शेयर के बारे में बता रखा है कि हाफ तो ले लिया उसने इसे, और जो बैलेंस बच गया वो हाफ ही बचेगा, वो भी दोबारा दोनों से हाफ हाफ करके लिया, इक्वली लिया तो हाफ हाफ हुआ, वो करके वो हमने ये कर लिया। ये जो मैंने आपको बता दिया ये तो मैंने माइनस करा है, ना भी करो तो सीधा 3/20 लिख सकते हो आप यहां, क्योंकि 50% ए से ले लिया तो बचेगा कितना बस 15, और वो 50 दोनों से इक्वली लिया तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया इक्वली, तो दोनों तरीके किसी से भी कर सकते हो। तो आज हमारा ये 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, आप यहां तक प्रैक्टिस करो, कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।